एक बाउल मैदा, एक कटोरी बेसन, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। दो घोल में ट्रांसफ़र करने के बाद में बीच में हम कलर डालेंगे और एक में हरा, एक में ऑरेंज। अच्छी तरह से मिला ले, यह बैटर आपका रेडी है। अब ग्रीन वाले बैटर को छेद वाले जारे पर डालकर हिलाते रहिए ताकि बूंदियाँ तलती रहे, और बूंदियाँ को 5 मिनट ही तलने की ज़रूरत है, ज़्यादा ना तले, नहीं तो फिर इसका टेस्ट भी बिगड़ सकता है ज़्यादा तलने से। तो इसको आपको अब ऑरेंज बूंदी को भी ये जारे में, छेद वाले जारे में डालकर आप ऐसे हिलाते रहिए या झटकते रहिए, तो भी आपका काम हो जाएगा, बूंदियाँ पड़ती रहेगी कढ़ाई में। ध्यान रखिए कि आपको फटाफट निकालना है, ये डालने के बाद में ज़्यादा देर नहीं तलना है ताकि इसका टेस्ट ना बिगड़ जाए, और ज़्यादा लाल भी नहीं होना है, काले भी नहीं होने देना है, आपको ऑरेंज ही रखना है। ठीक है, तलते रहिए इसको, हिलाते रहिए और निकालते रहिए, राइट। कप शुगर, आप ग्रीन बूंदी को चाशनी में डाल के निकाल लेंगे और ऑरेंज बूंदी को भी चाशनी में डाल के निकाल लेंगे। पाँच मिनट के अंदर इसको सोखने के लिए रख देंगे कि ताकि बूंदी के अंदर मिठास चले जाए वो उसकी चाशनी की। बूंदी कुनकुने पानी में डालिए ताकि थोड़ी नरम पड़ जाए, ताकि आपकी बाइंडिंग अच्छी हो, ताकि आपके लड्डू अच्छे बने। घी डालिए दो चम्मच, 2 या 3 चम्मच आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर उसके बाद में हरी बूंदी डाल दीजिए, उसमें अच्छे से मिला लीजिए, उसको हिला लीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए घी के साथ में। ऐसा सेम ऑरेंज बूंदी के साथ भी करिए, 2 चम्मच घी के साथ, ज़रूरत पड़े तो फिर ऊपर से आप और 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच डाल दीजिए, ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके आपके लड्डू को। की 2 चम्मच खोपरा का गुड़, हरी बूंदी में खोपरा पाउडर और शुगर पाउडर थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए 2-3 चम्मच, और आप उसको अच्छे से आप बाइंड कर लीजिए लड्डू की तरह, लड्डू के शेप में। सेम ऑरेंज बूंदी में भी आप खोपरा 2-3 स्पून और शुगर पाउडर करके आप बाइंड कर लीजिए। हो गए आपके स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू तैयार। अब आप ये बूंदी के लड्डू को रेफ्रिजरेट में कर लीजिए 1/2 घंटे के लिए, या सेट होने के लिए, इसको रेफ्रिजरेट होने की बहुत आवश्यकता है, तो रेफ्रिजरेट कर लीजिए और खाते रहिए जब भी आपको खाना चाहते हो।